नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार, लेकर हाजिर हूं देश की राजधानी दिल्ली से, जनता के बीच से। जनता की बात यह है, जनता की आवाज। ये वो खास कार्यक्रम है जिसमें देश की जनता हर मुद्दे पर बेबाकी के साथ बोलती है और अपनी आवाज और राय को बुलंद करती है। आज का मुद्दा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि मुद्दा है तौकीर रजा का वो बयान जिसको लेकर के बवाल हो चुका है। तौकीर रजा ने कहा था कि वो सामूहिक निकाह करवाएंगे, जिसके बाद से खूब बवाल हुआ, सवाल उठे और फिर कहा गया कि अरे ऐसा कुछ नहीं कर रहे। लेकिन एक बार फिर से तौकीर रजा सामने आए हैं और कह रहे हैं कि सामूहिक निकाह करवाया जाएगा। सवाल ये, क्या समाज का माहौल सौहार्द खराब करवाने की एक कोशिश हो रही है? क्या संदेश जाएगा? धर्म गुरु भी सवाल उठा रहे हैं। इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा, देश की जनता हमारे साथ मौजूद रहने वाली है इस तरफ। लेकिन सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट के साथ एक रिपोर्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश के बरेली के इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल यानी IMC के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा का विवादों से पुराना नाता है। अब एक बार फिर उनके एक स्टेटमेंट पर बवाल खड़ा हो गया है। उन्होंने ऐलान किया है कि वे 21 जुलाई को बरेली में हिंदू युवक युवतियों का धर्म परिवर्तन कराएंगे। हालांकि पुलिस की सख्ती के बाद उन्होंने अपना स्टेटमेंट वापस ले लिया, लेकिन तौकीर रजा के इस स्टेटमेंट के बाद हिंदू धर्म गुरु खड़क उठे हैं और तौकीर रजा पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सवाल ये क्या कि तौकीर रजा की मंशा क्या है? क्या ये सामाजिक सौहार्द के लिए खतरा नहीं है? क्या मौलाना हिंदू मुसलमानों को लड़ाना चाहते हैं? और सभी की नजर इस पर भी रहेगी कि सरकार का क्या कदम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो देश की जनता हमारे साथ जुड़ चुकी है, खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। सभी का तारुफ जल्दी से करवा देते हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से पक्ष रखने के लिए गिनी सानी जी हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं, साथ ही साथ गुलाम सरवर जी हमारे साथ उपस्थित रहेंगे, अपनी मौजूदगी दर्ज करवाएंगे। प्रियंका अडवाणा जी अपनी मौजूदगी पेश करने वाली है हमारे साथ, विष्णु प्रिया मौजूद रहने वाली है, उपमन्यु महाराज जी भी उपस्थित रहने वाले हैं और साथ ही साथ शैलेंद्र दुबे जी भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने वाले हैं। सभी खास मेहमानों का और देश की जनता का बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैं। और गुलाम साहब के साथ शुरुआत में करने जा रही हूँ। तौकीर रजा का बयान आपने सुन लिया होगा। गुलाम साहब प्लीज थोड़ा सा आगे आइए। समझ में नहीं आ रहा है लोगों को कि आखिर ये किस प्रकार का बयान है और कहना क्या चाहते हैं, लोगों तक पहुंचाना क्या चाहते हैं। कह रहे हैं कि सामूहिक निकाह करवाएंगे, मतलब क्या है, क्या लगता है? देखिए, समझ में सब कुछ आ रहा है, देश भी समझ रहा है और उनके मानने वाले भी समझ रहे हैं। प्रकृति के नियम के विपरीत कोई भी अगर कदम उठाता है वो अपने आप को हिलाकत में डालता है। बदलाव प्रकृति का नियम है, भारत में संविधान में प्रावधान भी है। मैं चाहे मस्जिद जाऊं, मंदिर जाऊं, गुरुद्वारा जाऊं, चर्च जाऊं, बौद्ध विहार जाऊं, मेरी मर्जी। पंगा तब खड़ा होता है जब ठेकेदार आते हैं। उनके बयान को आप गौर से अगर सुनेंगी, आपने कई बार सुनाया है, तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास इनके आवेदन आए। भाई, आपके पास आवेदन क्यों आ गए? आवेदन तो DM के पास जाएंगे, रिक्वेस्ट तो जज महोदय से किया जाएगा। जो लीगल प्रोसेस है उसमें जो बालिग है वो स्वतंत्र है, वो अपने उस प्रोसेस में जाए। एक बयान ये भी वो दे रहे हैं कि ये लोग पहले सब कुछ कर चुके, तो जब सब कर चुके थे तो ये ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? यानी कि कन्वर्टेड हो चुके हैं। कन्वर्टेड हो चुके, तो जो हो चुके वो कानूनी नजर में वैध है या अवैध है वो कानून फैसला करेगा। आप इसको प्रचारित करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक धर्म विशेष की भावनाओं से खेल रहे हैं और देश के सौहार्द को आप बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। नो डाउट तौकीर रजा साहब सस्ती लोकप्रियता, आप इतने बड़े घराने के हैं, उनका संबंध जिस घराने से है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिस घराने से संबंध है, करोड़ों मुसलमान उस घराने से जुड़ा हुआ है, उसके बाद तौकीर रजा साहब की यह हरकत जिसको देखकर हम जैसे लोगों को लगता है कि आखिर वो कहना क्या चाहते हैं। उनका कहने का मतलब है कि वो मुसलमानों में भी गलत संदेश पैगाम पेश कर रहे हैं, हिंदुओं में भी। परंपरा है, इस परंपरा से समाज में टकराव पैदा होता है और जो लोग टकराव को बढ़ावा देते हैं उन्हें हम देश प्रेमी नहीं मानते, उन्हें समाज प्रेमी, उन्हें धर्म प्रेमी भी नहीं मानते। यदि धर्म का भी आपको कुछ करना है तो धर्म में भी स्वतंत्रता दी गई है। भाई, मैं स्वतंत्र हूँ निर्णय लेने के लिए, तो मैं लूंगा, बीच में ये एजेंट कहाँ से आ जाते हैं? बड़ा सवाल। देखिए, एक गलत शब्द मैं कह रहा हूँ,
ये धर्म के ठेकेदार धर्म की दलाली करने पर उतर गए हैं और देश का वातावरण बिगाड़ रहे हैं। इसलिए मैं निंदा करता हूं इस हरकत की और सरकार से विनती करता हूं, इस तरह की हरकत कोई भी करे, उसका कद कितना भी बड़ा क्यों ना हो, भारत के समाज और भारत के संविधान से बड़ा कद किसी का नहीं होना चाहिए। बेशक बेशक बेशक। प्रियंका राणा जी, आपका क्या मत है इस मुद्दे पर? क्या फिजूल में सिर्फ सस्ती लोकप्रियता बटोरने के लिए तौकीर रजा ने इस हरकत को अंजाम दिया है? वो बार बार आकर कह रहे हैं, खिलवाड़ बना लिया है कि हिंदू युवक और युवतियों का सामूहिक निकाह करवाएंगे, विवाह नहीं निकाह करवाएंगे। देखिए साजिया, कोई भी निकाह करे या विवाह करे ये उसका अपना जातिगत या व्यक्तिगत फैसला होता है, इसमें कोई दूसरा बोलने वाला कोई नहीं होता है। उत्तर प्रदेश के अंदर विधायक ऑलरेडी पास हो चुका है लव जिहाद के ऊपर, जो भी बालिग है और शादी करना चाहता है वो जाकर के कानूनी तौर पर आवेदन दे सकता है और लीगली शादी कर सकता है, उसमें कोई रुकावट नहीं है। लेकिन अब बात यही आ जाती है कि जो धर्म के ठेकेदार हैं, ये धर्म के ठेकेदार सिर्फ ये धर्म परिवर्तन और विवाह और निकाह पे क्यों जोड़ देते हैं? क्यों नहीं अमरनाथ के ऊपर बोलते? क्यों नहीं बोलते जो आपके धर्म के अंदर गलत चीजें चल रही हैं? आप शिक्षा पे बात नहीं करते हैं, मुस्लिम जो अपनी पढ़ाई के लिए तरस रहे हैं उनको अच्छी शिक्षा ना मिले, लड़कियों की पढ़ाई ना हो, इस पे बात नहीं करते हैं, लेकिन उनको सिर्फ क्या दिखता है? ये विवाह और निकाह। आप मुझे बताइए ना, अमरनाथ में क्या हो रहा है? वहां पे जो 228 किलो सोना जो निकाला गया है उसपे आज कोई डिबेट नहीं हो रही है। बद्रीनाथ आप हार गए, आप अयोध्या हार गए, क्यों हार गए, क्यों क्यों हो गए ये बताइए ना, इस पे कोई डिबेट नहीं करेगा। लेकिन आप डिबेट किस पे करेंगे? धर्म परिवर्तन पर करेंगे। मैं तो सभी जितने भी धर्म गुरु और जितने भी ठेकेदार हैं उनसे बात करना चाहते, क्यों नहीं बात करते? 10 दिन के अंदर 12 पुल गिर जाते हैं बिहार के अंदर, अंतरराष्ट्रीय जो एयरपोर्ट है वहां की छतें गिर रही है, वहां पे पानी भर रहा है, पानी भर करके बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं, करप्शन हो रहा है, उस पे कोई बात नहीं करेगा। लेकिन बात करेंगे हम विवाह और निकाह पर? अरे जिसकी जहां मर्जी है, क्या मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़के से शादी नहीं कर रही है या लड़के जो है वो मुस्लिम लड़कियों से शादी नहीं कर रहे हैं? तो सब धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, जिसकी जहां मर्जी होगी वहां करेगा। लेकिन ये जो धर्म के ठेकेदार है सिर्फ अपनी रोजी रोटी और ये अपनी जो है ना राजनीतिक रोटी कमाने के लिए इस तरह से ये हरकतें करते हैं और अपना नाम कमाने की कोशिश करते हैं और घटिया हरकतें करते हैं। बिल्कुल ठीक है। उपमन्यु महाराज भी थोड़ा सा आ गया। ये उपमन्यु महाराज, ऐसा नहीं है कि ये पहला मामला है जो सामने आया है या फिर सुर्खियां बटोर रहा है? तौकीर रजा ने कह दिया है कि हम सामूहिक निकाह करवाएंगे तो उस पर बवाल हो गया। इससे पहले भी तो खबरें सामने आती रही हैं कि इतने मुसलमानों ने धर्म परिवर्तन करवाया वो हिंदू हो गए, इतने मुसलमानों ने धर्म परिवर्तन करवाया वो क्रिश्चियन हो गए, तो तब तो कोई नहीं बोलता है। नहीं देखिए, उन्होंने धर्म परिवर्तन किया जी, अपनी आस्थाओं को प्रकट किया, उन्होंने उसको माना तो धर्म परिवर्तन किया, वो कहीं 1% जायज है। लेकिन ये कहीं ये लोग कुरान को कहते हैं कि उसमें बदला नहीं जा सकता, हदीस में बदला नहीं जा सकता, ये बीच बीच में अलग अलग नए नए तरीके लाके ये क्या अपनी इस्लाम के जो धर्म का है और धर्म के आधारित जो नियम है उसको ये बदलना चाहते हैं क्या? अभी जो कहा इन्होंने 100% सही बात कही इन्होंने कि इसलिए ये इस्लाम से विरुद्ध है, इस्लाम में ये तरीका नहीं है, इस्लाम में विवाह करने का तरीका बिल्कुल अलग है, जो ये नहीं मान रहे। ये कैसे इस्लाम? वो तो कह रहे हैं कि ये लोग ऑलरेडी अपना धर्म परिवर्तन करवा चुके हैं। ऑलरेडी किसने कर दिया और क्यों करवा चुके हैं, और फिर अगर करवा चुके हैं तो अब विवाद क्यों हो रहा है? भाई सीधी बात है कि इस्लाम में सामूहिक विवाह का, जहां तक मेरी जानकारी, हो सकता है कि कोई स्पेशल चीज, क्योंकि इस्लाम में अब कोई चीज संभव, मतलब कि ऐसी कोई चीज नहीं रह गई जो पक्की हो। अब ये हो गया कि हाँ फलाने ने ये कह दिया तो हम हदीस में मान लेंगे, फलाने फलानी जगह पे यह बोल दिया गया तो हम उसको मान लेंगे। ये जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं ये निहायत गलत हैं, और इसको इसके लिए अभी जैसे इन्होंने कहा कि आप कहना चाह रहे हैं कि इस्लाम का दुष्प्रचार हो रहा है और गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। हाँ, इस्लाम का दुष्प्रचार ही नहीं, इस्लाम के लोग इस्लाम को ही गलत बता रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि इसमें हिंदू कोई नहीं बोल रहा है, इस्लाम वाले खुद ही तोड़ रहे हैं, खुद मरोड़ रहे हैं अपने को, और कहते हैं कि नहीं हमारे यहाँ जेर जबर का भी अंतर नहीं हो सकता, जो लिखा हुआ अपने है मतलब के हिसाब से इस्तेमाल, अपने मतलब के हिसाब से बदल रहा है, जो निहायत गलत है। इसमें एक्शन होना चाहिए, इसमें एक्शन होना चाहिए, और गवर्नमेंट का भी होना चाहिए, समाज से भी करना चाहिए कि सामाजिक मुस्लिम समुदाय आगे बढ़े एक कदम और सामाजिक बहिष्कार करे उनको, क्योंकि ये केवल मुसलमान के लिए नहीं है, हिंदुत्व के लिए नहीं है, ये पूरे समाज के लिए गलत है।
जो नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके से। मुस्लिम समुदाय बहिष्कार करे, विष्णुप्रिया जी प्लीज यहाँ पर आइए। कैसे बहिष्कार होगा? मुस्लिम समुदाय में जब चार शादियों का जिक्र होता है, कहा जाता है कि इस पर रोक लगेगी, तब बवाल कट जाता है। जब ये कहा जाता है कि हलाला पर रोक लगेगी, तब बवाल हो जाता है, या फिर कुछ तीन तलाक पर रोक लगेगी, तब बवाल हो जाता है। लेकिन जब कुछ और बात आती है जिसमें मर्दों का फायदा हो रहा होता है, तब कोई बवाल नहीं हो रहा होता है। मर्दों का फायदा छोड़िए, अभी हम दो दिन पहले ही जब औरतों के हक के लिए बात कर रहे थे, तो आपने देखा कितना तब इनके इस्लामिक रूल्स रेगुलेशन सब इन्होंने पढ़ लिए जब औरतों की बात हुई। खैर, आज के मुद्दे पे आ जाते हैं। मुझे लगता है यहाँ पे सभी मुद्दे से बहुत ज़्यादा भटक रहे हैं। माफ़ी चाहूँगी, बट मैं मैम की बात से भी बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। उन्हें वो कह रही हैं कि इस मुद्दे पे बात हो रही है और दूसरे मुद्दों पे नहीं हो रही है, बट उन्हें शायद अभी इस मुद्दे की गंभीरता समझ नहीं आ रही है। बिल्कुल गंभीरता समझ नहीं आ रही है। ये जो अभी सामूहिक निकाह हो रहा है, मुझे उससे 1% कोई दिक्कत नहीं है। अगर लड़के लड़की आपस में कोई भी डिसीजन लेते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो हिंदुत्व को ये जो चैलेंज दिया है सरेआम कि हम 21 जुलाई को 7 लड़कों का 8 लड़कों का और 15 लड़कियों का धर्म परिवर्तन करेंगे, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या सर? देखिए, ये बिल्कुल भी जायज नहीं है। सिंपल सी बात इतनी सी है कि आज अगर वो लोग कर रहे हैं, कोई बेवकूफ नहीं है। कल अभी आवाजें उठ रही है, फिर और उठेगी। तो ये इन लोगों की बहुत बड़ी गलती है जब चैलेंज आप किसी चीज को कर देते हो। मुझे लगता है वो एक ओहदे पे हैं, उन्हें ये चीज समझनी चाहिए कि वो जो हरकत कर रहे हैं कि डायरेक्टली ये दे दिया कि भैया हम ये कर रहे हैं, अब हमें सिक्योरिटी भी चाहिए, बिकॉज उन्हें पता है कि चीजें होंगी, इसीलिए वो सिक्योरिटी भी मांग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनके दिल में चोर तो है ना। शाजिया जी, आप खुद बताइए, अगर उन्हें किसी चीज का डर नहीं होता, अगर वो सही चीज, अगर आप सही चीज कर रहे हो, तो आप परमिशन किस चीज की ले रहे हो? अगर कुछ दिक्कत ही नहीं है, तो परमिशन यहाँ पे किस चीज की ली जा रही है? तो 10 सेकंड में जवाब ले लेते हैं। नहीं, अभी इन्होंने कहा कि किस चीज का डर है। डर किसी चीज का नहीं है। परमिशन लेना आपका उत्तर प्रदेश के अंदर विधेयक आया हुआ है, उसमें आपको परमिशन लेनी पड़ती है और कानून का सहारा भी लेना पड़ता है। लेकिन आपने जो दूसरी बात कही कि जो जनता है, आप ये बताइए ना, लड़कियां क्या आपको बेवकूफ लगती है? आम जो यूथ है वो आपको बेवकूफ लगता है कि वो किसी के भी भड़काने से आकर के शादी करने के लिए? आप ये बताइए, हिंदू लड़कियां जो मुस्लिम में कन्वर्ट हो रही है या मुस्लिम लड़कियां जो हिंदू में कन्वर्ट होती है, सारे बेवकूफ है? उनको आप ये बताइए, सोनाक्षी सिन्हा ने अगर शादी कर ली तो क्या वो बेवकूफ है? उसको आप रोक पाए या आप रोक पाए? लेकिन आपको ये दिख रहा है कि धर्म परिवर्तन हो रहा है, धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा है। वो अपनी मर्जी से शादी कर रहा है। अगर अपनी मर्जी से शादी नहीं कर रहे हैं तो उसके ऊपर आवाज उठाइए। अगर वो अपनी मर्जी से शादी नहीं कर रहे हैं तो उस पर आवाज उठाइए। अगर वो एक बार गिरी सानी जी से कॉमेंट लेती हूँ। गिरी सानी जी, क्या ये वाकई सवाल उठाने के लायक है कि शादी क्यों हो रही है? क्योंकि वाकई 18 उम्र के बाद से या 21 के बाद से तो फैसला खुद ही ले सकते हैं, हक हासिल हो जाता है कि जिससे मर्जी हम जिस भी मजहब में शादी कर सके। देखिए, मैं जो बोलूंगा, मुझे लगता है कि सभी लोगों को समझना चाहिए। आज इश्क में डूबा आदमी, प्यार में डूबा आदमी, उसको सिर्फ ये नजर आता है वो सामने लड़की है या लड़की को नजर, ये लड़का है। उनको धर्म, माँ बाप, ये वो कुछ नजर नहीं आता। वो हाथ में छुरियां लेके कहते हैं नस्से भी काट लेंगे, हम मर जाएंगे। उनका दिमाग इस कदर भड़का दिया जाता है, इश्क में डूब जाता है कि उनको धर्म तो कहीं दूर दूर तक नहीं दिखता। आजकल का थोड़ी है, तो जन्म जन्म। आगे पूरी बात सुनिए। दूसरी बात ये कि आज जो तौफीक रजा साहब ने अपना बयान दिया, हमें लगता है कि ये बयान दिलवाया गया। अभी उपचुनाव होने हैं यूपी में, आप समझो, अभी यूपी में उपचुनाव होने हैं और उपचुनाव से उसका फायदा लिया जाएगा। क्रोनोलॉजी समझा रहे हैं आप, क्रोनोलॉजी समझा रहे हैं शैलेन जी, इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल नहीं। देखिए, हम लोगों को ना तो इसकी क्रोनोलॉजी को समझने की आवश्यकता है। ये तौकीर रजा साहब एक समय सपा समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे, उसके बाद बसपा में शामिल हुए। अभी मित्र कह रहे थे, अरे फॉर्मली औपचारिक तौर पर कांग्रेस का हिस्सा रहे हैं वो, जो है तो किस तरह की बात कर रहे हैं? 3 पार्टियों का उन्होंने औपचारिक तौर पर उसका हिस्सा रहे हैं, नंबर एक। और आप सीरीज बाय सीरीज आप देखेंगे, इन्होंने अनेक अनेक विषयों पर हमेशा विवादित बयान दिए हुए इन्होंने। दूसरा, अभी जब इन पर दबाव पड़ा, कानून का दबाव पड़ा, तो उन्होंने क्या कहा? नहीं, हम धन परिवर्तन के लिए नहीं, हम जो है सामूहिक विवाह के लिए परमिशन चाहिए।
अगर ये ठीक कर रहे थे तो इन्होंने अपना स्टेटमेंट बदला क्यों? ये ऑफिशियल स्टेटमेंट बता रहा हूँ मैं आपको। इनके पास जाएंगे मेरी शादी करा दो। अरे क्या मतलब है? अगर मेरा दिल यहाँ पे किसी पे आएगा तो मैं तौफीक लड़ा पे जाऊंगा कि मेरे को मुस्लिम लड़की पसंद आ गई, मैं उसके बाप के पास जाऊंगा कि मौलाना साहब आपकी लड़की में मेरा दिल आया, आप मेरी बात तो सुनो, मेरा शादी करा दो, मैं उसको सिखनी बना के रखूंगा। आज गदर फिल्म के अंदर हमने देखा सन्नी देओल ने भरमे पाड़ दिए और वहां पे बोला कि मुसलमानी लो हो गई अब ये सिखनी, और वाहेगुरु जी सो किसी ने आंख उठाई तो मुर्दा पाड़ दूंगा। तो आज की डेट में सन्नी देओल पाकिस्तान से उठा के शकीना को भारत ला सकता है, तो हम किसी की परमिशन, तौफीक रजा कौन है तौफीक रजा, जब उसकी परमिशन लेंगे, हमारा जिस पे आएगा हम उसको लेके आएंगे, संविधान हमें परमिशन देता है। कम से कम ये है कि इनके द्वारा आधा सच तो सामने आया कि इसमें तौकीर रजा को शामिल होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहां तक विषय जो है धर्म का है या शादी विवाह का है, ये जातीय मामला है, पारिवारिक विषय है, तो इसमें जो है किसी भी धर्म गुरु को बीच में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, इन्होंने ये कहा कि इस तरह की जो बात करने का प्रयास किया, अरे भाई जब धार्मिक मामले जो इस तरह का जो विषय उठाया किसने, तौकीर रजा ने उठाया, तो काउंटर तो जो है करना पड़ेगा ना। और अभी बात हो रही थी कि भाजपा जो है बद्रीनाथ में हार गई, अरे बद्रीनाथ की सीट 2022 में भी कांग्रेस के पास थी। वो कह रहे हैं इस मुद्दे को भुनाया जा रहा है क्योंकि चुनाव है। एक बार बताइए, चुनाव कब नहीं होता? अरे आप बेवकूफ, ये कोई तरीका है? ये तरीका है मायावती की वजह से, मायावती की वजह से 17 सीटों पे जीते हैं, 40-40 हजार वोटों। ठीक है गिरी जी, आ रही हूं मैं। अभी इनको ये पता नहीं है कि इसी तरह से जो माहौल खराब होता है, क्या मैं जरा एक फैक्ट रख दूं, पूरे विश्व के अंदर 57 जो मुस्लिम राष्ट्र हैं, उसमें से आपने इंडोनेशिया में देखा कभी इस तरह के मामले आते हैं? यहाँ इन्हीं जैसे लोग जो है, मतलब सबसे बड़ा जो मुस्लिम राष्ट्र है इंडोनेशिया, और डेवलपमेंट की बात करते हैं जो है, आप अरेबियन कंट्री ले लिए, वहां इस तरह के मामले आते हैं, वहां कड़े कानूनों पे बात होती है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इस तरह के लोग, ये ठेकेदार हमारे पंजाब में के मुद्दों पे डिबेट होगी तो वही मुद्दे को उठेंगे। आपको क्या शौक है या मुझे क्या शौक है? आज की डेट में सोनाक्षी सिन्हा ने आज जहीर अकबाल से शादी कर ली तो सबको पिस्सू पड़ गए, उसके भाई भी नहीं आए। अरे अगले की मर्जी, वो जहाँ मर्जी करे, संविधान हमें। किसी परिवार में अगर बहन की शादी में भाई नहीं आता तो इनको चिंता पड़ी हुई है, वो परिवार का मसला है, उसमें इनको क्या कूदने की जरूरत है? अरे भाई अपने दंड से है। गुलाम सरवर जी, सवाल क्यों नहीं उठेंगे इस मुद्दे पर? क्योंकि इस तरह की जो मामले होते हैं वो मैसेज देते हैं और माहौल खराब होता है, सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है, तो सवाल क्यों नहीं उठेंगे इस मुद्दे पर? डिबेट क्यों नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल डिबेट अगर नहीं होगा तो जनता कैसे जानेगी कि खेल क्या हो रहा। लेकिन एक बात जनता भी जाने, पूरा देश सुने, कि ये जो शादी के लिए धर्म लोग जो बदल रहे हैं, वो तो धर्मेंद्र से लेके और अब सोनाक्षी तक और इस बीच में जितना भी नाम आ रहा, ये किसी भी धर्म में इसकी अनुमति नहीं है। आप मात्र शादी के उद्देश्य से धर्म बदल रहे हैं। धर्म का मतलब है धारण करना। आपने पढ़ा क्या? सनातन धर्म को जाना क्या? इस्लाम को आपने जाना क्या? क्रिश्चियनिटी को आपने जाना क्या? जब आपने पढ़ा नहीं, समझा नहीं, तो केवल शादी के लिए धर्म बदल रहे हैं और मौलाना कूद रहे हैं कि हम बदलवाएंगे। मौलाना पहले पढ़ा देते, समझा देते, और उसके बाद उनको कहते अब तुम स्वतंत्र हो, जान गए पहचान गए, जाओ अब तुमको जो करना करो। लेकिन आप राजनीतिकरण कर रहे हैं धर्म बगैर। देखिए संवेदनशील मुद्दा है, मुद्दा संवेदनशील है, भावनाओं से जुड़ा है, सबकी भावनाएं समान है, मानव एक समान है, हिंदू की भावना भी है, मुसलमान की भावना भी है, सिख की भावना भी। आप भावनाओं से ये खेलने का काम अगर करेंगे तो विरोध होगा। सीधी सी बात, ये जो माहौल बनाया उन्होंने कि मैं ये करूंगा 21 तारीख को, 23 तारीख को वो करूंगा, 25 को वो करूंगा, ये तरीका भावना बिल्कुल गलत तरीका है। बिल्कुल हमको अख्तियार है, हमारी बहनों को भी अख्तियार है, हमारी बेटियों को भी अख्तियार है, वो जिस धर्म को अपनाना चाहे अपनाए, वो स्वतंत्र है। लेकिन समझकर बुद्धि और विवेक को सामने लाकर पूरे धर्म के पार सारे नियमों को समझकर तब बदलिए, तो मैं समझू धर्म आप बदल रहे। बस हवा में आपको प्यार, आंख लड़ी हो, दिल धड़का, और तू तड़पी हो, मैं तड़पा, और धर्म बदला, ये कैसे हो जाएगा भाई? एक मिनट में धर्म बदल गया? धर्म इतना आसान काम है? धर्म को तो जब हमारे देश की संसद में ही, जब हमारी देश की संसद के अंदर ही सवालों
सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे तो आम जनता कहाँ जाएगी? देखिए, जहाँ तक विषय नीट का है, बहुत अच्छा प्रश्न उन्होंने उठाया। 15 ऐसे राज्यों की सरकारें हैं जिसमें पेपर लीक एक गंभीर समस्या है। उत्तर प्रदेश की है, उत्तर प्रदेश एक मिनट गुरु जी, एक भाई मैं कह रहा हूँ, लगातार कई वर्षों से समस्या है। पहली ऐसी सरकार उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कैबिनेट में प्रस्ताव पास करके उस पर कानून लाने की बात की गई, प्रस्ताव पास हुआ बाकायदा, जिसमें उम्र कैद और 1 करोड़ की बात की गई। कितने राजनीतिक दल हैं जो उसको समर्थन देने वाले हैं? नंबर एक, देखिए बात आप कर लेंगे, जब कानून बनाएंगे फिर यही आ जाएंगे। 1991 का मैं आपको उदाहरण दे दूं, मुलायम सिंह की सरकार में कानून बना के देख लिया आपने, क्या हुआ? नहीं रुका क्या आपसे लव जिहाद? आप मुझे बताइए, ये धर्म परिवर्तन और ये मुद्दे लाकर के आप ऐसे मुद्दों को दबा लेंगे? आज यूथ की आवाज है, ये आज नौजवान की आवाज है जो सवाल पूछ रहा है। कर्नाटक में पेपर लीक नहीं हो रहा क्या? एग्जाम के लिए आपका जो है हिमाचल में लीक नहीं हो रहा क्या? पंजाब में लीक नहीं हो रहा क्या? गुजरात में देखिए हालत क्या है, नौकरी निकलती है पांच और बहुत जाते हैं हजारों लोग, वहाँ पर लोग रोटी नहीं मिल रही, उनको खाना नहीं मिल रहा, महंगाई बढ़ रही है। लेकिन आपको क्या क्या दिख रहा है? महंगाई, महंगाई और रोजगार, अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं, चुनाव होने के बाद पहले डीजल पे बढ़ा दिए, पेट्रोल की कीमत ठीक है। कुल मिलाकर मुद्दे एक नहीं 1000 है, लेकिन राजनेताओं की बहस तो इसी प्रकार से जारी रहेगी। सल्यूशन कुछ निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जनता बहुत कुछ बोलना चाह रही है लेकिन जनता की सुनने वाला कौन है? सवाल तो ये भी है, इस सवाल का जवाब कौन देगा? सवाल ये भी है। फिलहाल के लिए, आज के लिए जनता की आवाज में बस इतना ही। आप देखते रहिए भारत 24।